ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हुआ तो हुआ पर इतना हंगामा क्यों हुआ? जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा के बयान की, जिसने बीजेपी को शायद एक ऐसा मौका दे दिया जिसकी बीजेपी को दिल्ली के चुनाव से पहले सख्त जरूरत थी। अब इस बयान के बाद हुआ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 84 का सिख विरोधी दंगा, 84 में हुआ तो हुआ, हजारों सिखों का कत्लेआम, 84 में हुआ तो हुआ, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में भूकंप आता है, 84 में हुआ तो हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी के गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा अब कांग्रेस के लिए ही गले की फांस बनते जा रहे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी पहले से सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो दूसरी ओर सैम पित्रोदा के 84 दंगों पर एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको आगे की दास्तां सुनाएं, उससे पहले सैम पित्रोदा को सुनिए। अब क्या है 84 का, बात तो करिए आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी ने दिल्ली और पंजाब में प्रदर्शन किया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए भले ही आज आखिरी दिन हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामकता की अभी शुरुआत भर की है। प्रदर्शनकारी भाजपा अकाली नेताओं ने जमकर गांधी परिवार और पित्रोदा के खिलाफ नारेबाजी की। इस विवादित बयान के लिए भाजपा ने राहुल और सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। सैम पित्रोदा ने जो कहा है कि जो कांग्रेस हुआ तो हुआ 1984 में, तो पता लगता है कि कांग्रेस का मानसिकता है ये राहुल गांधी की मानसिकता है। वो आज भी 1984 के कतरे को जाए चढ़ाते हैं। अगर राहुल गांधी उन पे एक्शन नहीं लेते, उनको पार्टी से बाहर नहीं निकालते, तो देश भर में से प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं पित्रोदा के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने भी उन पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सालों तक यही किया है, कांग्रेस का यही व्यू पहले से था, इसलिए राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन में हिलती है। उसके बाद इतने साल हो गए, आयोग बनते गए, कमीशन बनते गए, एक भी व्यक्ति पर सजा नहीं हुई। इतना ही नहीं, कमलनाथ को उन्होंने पंजाब का प्रभारी बना दिया था, जब पंजाब में विरोध हुआ सिख दंगों को बात को लेकर के, तो उसको हटाया और आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसको किसी एक व्यक्ति के विचार मत मानिए, ये पूरे कांग्रेस की सोच का प्रतिबिंब है। कांग्रेस इसी अहंकार से भरी हुई है, देश को कितना नुकसान हुआ उनकी यही मानसिकता है, हुआ तो हुआ, देश लूट गया उनकी मानसिकता है, हुआ तो हुआ, ये कांग्रेस के रग रग में भरा पड़ा है। और ये अहंकार ही है जिसने कांग्रेस को 44 सीटों पर लाकर के खड़ा कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पित्रोदा के बयान को ट्वीट कर उन पर निशाना साधा। बहरहाल 2014 में मणिशंकर के बाद 2019 में सैम पित्रोदा अब कांग्रेस का सेल्फ गोल चेहरा बन चुके हैं। 2014 के चुनाव में जब मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा, तो बीजेपी ने उसे ही चुनावी मुद्दा बना दिया। इस बार चौकीदार चोर है का नारा उछला तो मोदी खुद चौकीदार बन बैठे। लेकिन चुनाव के अंत में जब सैम पित्रोदा ने 1984 दंगे पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि 84 हुआ तो हुआ, इस पर बीजेपी बिफर गई और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया।